नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, उनकी इंटरनेट पर एक जंग छिड़ी हुई है। तो हम बात कर रहे हैं एल्विश और मेक सटर्न की लड़ाई के बारे में। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन है मेक सटर्न और एल्विश यादव ने क्यों की मेक सटर्न के साथ मारपीट। आज इसी बात का खुलासा करेंगे। अगर मेक सटर्न की बात करें तो उनका रियल नाम सागर ठाकुर है और वो एक यूट्यूबर है। चलिए बात करते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई। हुआ ये कि एल्विश ने मुनव्वर फारूकी के साथ फोटो शेयर की, तो कुछ लोग सही बता रहे थे और कुछ इसका विरोध कर रहे थे। तो उसके रिप्लाई में मेक सटर्न ने भी ट्वीट किया और कुछ देर तक उनमें ट्विटर पर ही लड़ाई चलती रही। फिर एल्विश ने मेक सटर्न को ट्वीट में लिखा कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है, सोचा याद दिला दू। फिर इन दोनों की चैट में बात हुई और वो दोनों कहीं मिलने वाले थे। फिर एल्विश ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई जिसमें लिखा कि ऑन माय वे टू। फिर लगभग एक घंटे बाद एक स्टोरी और अपलोड की गई जिसमें लिखा था कि वर्क डन, और लोग इन स्टोरीज को मेक सटर्न से जोड़ते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद में मेक सटर्न का एक वीडियो भी आया जिसमें मेक सटर्न ने क्या कहा, और मेक सटर्न ने आरोप लगाया कि उनको जान से मरने की धमकी दी गई है। लेकिन इस अखाड़े में अब यू के 07 राइडर और कूद पड़े हैं और उन्होंने मुनव्वर फारूकी को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज किया है। सागर ठाकुर ने अपनी एफआईआर में दावा किया है कि एल्विश ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने और शारीरिक रूप से अक्षम बनाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि एल्विश ने उनको कई बार से मारने की धमकी दी है। सागर ने आरोप लगाया कि एल्विश के फैन पेज कुछ महीनों से नफरत फैला रहे थे, जिससे वह परेशान थे और उसके लिए उन्होंने एक एनजीओ से सलाह भी मांगी थी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट ऐसे बंदे के साथ जो अपनी फील्ड में कुछ विशेष काम कर रहा है। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।